सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट SSA मैजिशियन। तो कैसा लगा आपको मेरा ये डव एक्ट? हमने रुमाल से जो है कबूतर बना लिया था। तो कैसा लगा आपको ये डव एक्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप कि आप भी इस डव एक्ट को सीखना चाहते होंगे, कबूतर कैसे रुमाल से बना सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के मैजिक देखना पसंद है, ये सीखना पसंद है, तो SSA मैजिशियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। SSA मैजिशियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग कमाल के मैजिक एक्ट सिखाते रहते हैं, आपको भी मैजिशियन बनाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डब एक्ट कैसे किए जाते हैं, और बहुत सारे तरीके से डब एक्ट किया जाते हैं। तो मैंने उसमें से एक तरीका इसमें आपको बताया है, और भी कई सारी वीडियोज में मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं डब को परफॉर्म करने के, या कबूतर को परफॉर्म करने के, कि कबूतर कैसे रुमाल से कबूतर बनाते हैं, कभी आग से कबूतर बनाते हैं, कभी फ्लैश पेपर को जला के कबूतर बनाते हैं। सभी एक्ट में आपको बारी बारी से सिखाता रहूँगा, बस आप अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कमाल की मैजिक आइटम जो है वो लाता रहूँ, और आप भी इंटरटेन होते रहे। तो चलिए बिना के आपको बोर शुरू करते हैं इस मैजिक ट्रिक्स का स्टोर। तो दोस्तों, इस एक्ट को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, सबसे पहले आपको चाहिए ये खूबसूरत सा कबूतर है। उसके बाद हमें चाहिए डव पॉकेट, जो कि मैजिक शॉप पे आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे देखो डव पॉकेट है, और ये ध्यान रखना ये वाइट ही है। ये वाइट ही क्यों चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इस पर देखो, ये इस प्रकार से पैक होता है, इसके अंदर को हमें डव रखना होता है, इसके अंदर हमें ऐसे कबूतर रखना होता है, इस प्रकार से, ठीक है। कबूतर को इसके अंदर ऐसे रखेंगे, कुछ इस प्रकार से, ये कबूतर इसके अंदर है, ये थोड़ी देर के लिए रहेगा, और इसमें ऑक्सीजन भी इसको बराबर मिलती रहेगी। ये बहुत पतला कपड़ा होता है, जिसमें कबूतर ऑक्सीजन आसानी से ले सके, ठीक है। अब हमें इसको टेल कोट के पॉकेट में रखना होता है। टेल कोट की पॉकेट की खासियत मैंने आपको पहले भी बताई है, इसकी बहुत सारी खासियत है, और ये बहुत सारी चीज़ों मैजिक में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस पॉकेट में इस कबूतर को डाल दिया है, इस प्रकार से, ये देखो। और यहाँ पे एक थ्रेड लगा हुआ है, एक धागा लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक रुमाल निकालना है। सबसे पहले बात नोटिस करें कि अगर इस पॉकेट का कलर वाइट है, जिसमें कबूतर रखा है, तो वाइट रुमाल से ही निकालना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने वाइट का भी यूज रखा है, ताकि ये कहीं दिख जाए तो आपको लगे कि ये वाइट रुमाल है, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि व्हाइट, अगर लाल में व्हाइट दिखेगा तो आपको चीटिंग लगेगी कि नहीं नहीं कुछ व्हाइट था उसके अंदर, बट व्हाइट रुमाल रहेगा तो आप सोचोगे कि ये रुमाल का ही वो कलर रहा होगा, है ना। एक रुमाल निकाला, दो रुमाल निकाले, कुछ इस प्रकार से, तीसरा भी निकाला, और आपको ऐसे दिखाया, एक एक रुमाल है। तब तक मैंने क्या किया, इस हाथ से इस अंगूठे को ऐसे पकड़ के ये रुमाल को ऐसे किया। अब कबूतर कहाँ आ गया, कबूतर आ गया है इसके पीछे, ये देखो। फिर भी मैंने आपको ऐसे करता रहा, और उसके बाद मैंने इस पॉकेट को ऐसे खोलना चालू किया। खोलना बहुत आसान है, ऐसे खुल जाता है, एक सेकंड में खुल जाता है, और कबूतर भी तुरंत बाहर आ जाता है, ये देखो, है ना। तो इस प्रकार से इस मैजिक एक्ट को किया जाता है, और बहुत ही मजे स्टेज पे जो मज़ेदार एक्ट है वो ये है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस एक्ट को जो है वो कर सकते हैं, और पब्लिक भी बहुत खुश होती है इस एक्ट में कि वाह, रुमाल से जो है जादूगर ने कबूतर निकाल दिया, है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये एक्ट। अगर आपको एक एक्ट अच्छा लगा तो हमारे लिए एक लाइक कर दें, वीडियोज को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल की मैजिक ट्रिक लेके आता रहूँ, आप भी इंटरटेन होते रहें और लोगों को भी मैजिशियन बनाते रहें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार मैजिक ट्रिक की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।